और मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम द रिच शो, जहां पर हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और ढेर सारे लोगों से बात करते हैं। लेकिन दर्शकों, ये कार्यक्रम मैं शुरू करूं इससे पहले मैं सोच रही थी कि जब एक घर की चार दीवारी के अंदर भी हम चार लोग ही रहते हैं तो चार लोगों में भी खिटपिट हो जाती है और कभी कभार हमें अपने लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटेशन सेट करनी पड़ती है कि हम किस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे, कितने बजे हम सोएंगे, उठेंगे या फिर किस तरह से हम एक दूसरे से सामंजस्य बांध पाएंगे। उसी तरह से जब हमारे देश की बात आती है, इतना बड़ा देश है और यहाँ पर भी इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और उन्हीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है हमारे, जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है संविधान की। और दर्शकों, 26 नवंबर का ये दिन है और 26 नवंबर के दिन हर साल हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि दर्शकों 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया था हमारे देश के लिए, उसी की याद में हम इसे मनाते हैं। तो संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, संविधान हम क्यों बनाने की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे और इसके लिए हम आए हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ चौड़ा मैदान शिमला में, यहाँ के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर से और स्टूडेंट से हम ढेर सारी बातें करेंगे और ये सब चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, ये तो हमने आपको बताया मोटे मोटे तौर पर कि संविधान क्या होता है। जैसे एक घर को चलाने के लिए हम थोड़े बहुत नियम कानून घर में लगा देते हैं, वैसे ही हम देश में भी लगाते हैं और वहीं से हम कुछ ना कुछ संदर्भ लेते हैं और इसी के लिए संविधान बनता है। लेकिन ये संविधान बना कैसे और संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है, यही जानेंगे अभी हम लोग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी चौड़ा मैदान शिमला में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुसुम चौहान मैम, ये यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपसे सबसे पहले यही जानेंगे कि संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पंचवर्षीय विधिक अध्ययन संस्थान की तरफ से आप दूरदर्शन शिमला की टीम का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी। हर वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है और अगर हम इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे का पर्पस क्या है मनाने का, तो इसके लिए हमें इसके थोड़े इतिहास की तरफ रुख करना पड़ेगा जी। संविधान दिवस अगर हम बात करें जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसके लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो 200 वर्षों तक गुलाम रहा और अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण ही हमारा जो देश था वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ जी। उसके बाद आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जो बड़े सारे प्रश्न थे जो हमारे सामने खड़े हो गए थे कि सरकार कैसे चलानी है, सरकार का उद्देश्य क्या होगा, सोसाइटी का जो निर्माण कैसे होगा, सोसाइटी के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको क्या क्या अधिकार देने चाहिए और अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जाकर अपनी पीड़ा को लेकर जा सकते हैं, या अगर सरकार चलाने की हम बात करते हैं तो जो ऑर्गन्स हैं, जो हम तीन ऑर्गन्स की बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नेंस की, जैसे कि जिसमें जुडिशरी एक है, एक एग्जीक्यूटिव आ गया, एक आपका लेजिस्लेटिव बॉडी आ गया, तो उन तीनों ऑर्गन को कैसे बनाया जाए और उनके क्या क्या पावर्स होंगे, इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, इन्हीं सब प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत ही
एक ही कार्य सौंपा गया कि सबसे पहले हमें अपने देश के लिए संविधान बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उस संविधान बनाने के लिए ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत एक जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया, और उस हार्ड वर्क के तहत ही उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इस संविधान पर पूरा अपना कार्य किया, और फाइनली ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और संविधान के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उसको पेश किया गया। और तुरंत उस दिन 26 नवंबर 1949 को जब वो अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, उसी टाइम ये कहा गया कि इसमें से कुछ आर्टिकल्स तो तुरंत प्रभावी तौर पर लागू कर दिए गए, जैसे कि उसमें एक सिटीजनशिप था आर्टिकल, लेकिन उसको पूरे तौर पर कंप्लीट तरीके से उसको लागू करने का वो 26 जनवरी 1950 को वो पूरे तरीके से लागू किया गया पूरे देश में। और इसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मैम, और इतना लंबा समय हमें लगा है, और ये विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा विश्व का सबसे लंबा है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भी रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप थोड़ा सा उनका भी रोल हमें बताइए। जैसे कि कहा जाता है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसका निर्माण हुआ तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के। लेकिन इसी के साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके ऊपर ये पूरा जिम्मा दिया गया संविधान को बनाने का, उसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। और ये भीमराव अम्बेडकर जी की ये मुझे कहते हैं देन है जो आज हम एक संविधान को लेकर आए हैं जिसे जो पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। दिस इज ये जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व का। और इसको बनाने के लिए जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो हमारे ये बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने जो इसमें परिश्रम किया, उसके साथ जो बाकी और लोग जुड़े हुए थे, चाहे मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं या मैं दूसरे और लोग जो इसके भागीदार थे, बिकॉज इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इस संविधान को बनाया है। और इस संविधान को बनाने के लिए तकरीबन 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, और फिर फाइनली जो उसमें से अच्छी अच्छी बातें थी वो सारी हमने अपने संविधान में हम लेकर आए, और इसका पूरा श्रेय जो है मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी को देना चाहूँगी। दर्शकों, संविधान को समझना है और उसके अंदर क्या क्या हमें प्रावधान दिए गए हैं इसे समझना है तो हमें उदाहरण की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है, और हाल ही में अगर कुछ हुआ हो तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें समझने में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर करुणा मचान जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे रीसेंट एग्जांपल देकर कुछ समझाइए ताकि हमारे दर्शक और हम भी संविधान को बहुत अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट किया है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि एक आज का ये जिसको कह सकते हैं बड़ा जटिल, कन्फ्यूजिंग भी कह सकते हैं, और बड़ा ही मुश्किल मुद्दा है जो कि आज की इसमें जो है हर उसमें इसको डिबेट में लाया जाता है, क्योंकि हम जिस उससे कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम मल्टीकल्चरल कंट्री हैं जहां पर कि हम एक कल्चर के उससे देशों के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों की जो ब्रिंगिंग अप हुई है वो ऐसे माहौल में हुई है कि हम जिसको कह सकते हैं भिन्नता में एकता को हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट उसके लोग रहते हैं, तो हमारे में वो जो भाईचारे की जो भावना है
उसको हम कहीं भी अपने से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको हम समानता नागरिक संहिता के रूप में भी कह सकते हैं कि उसके लिए कि भी सबके लिए एक समान तरह का कानून होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, तो ज्यूस के लिए अलग है। खासकर हम जब शादियों तक लाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो डिफरेंस हमारा आता है ये वहाँ पर आता है जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं या हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या हम टॉर्ट की बात करते हैं सिविल, उसमें जो है वो वहाँ पर हमारे लिए कानून बने हैं जब प्रॉपर्टी लॉज बने हैं या कॉन्ट्रैक्ट लॉ बना है आपका, टॉर्ट्स का लॉ बने हैं, तो उसमें तो जो सबके लिए एक जैसा ही है। लेकिन जब सब्सटेंसिव लॉ में हम जब पर्सनल लॉ पर आते हैं तो वहाँ पर जो कहीं ना कहीं वो मतभेद आते हैं जब हम फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि फैमिली भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जिससे कि हम कह सकते हैं अगर हम नागरिक इसके एक पर्टिकुलर देश की बात करते हैं तो वो हमारा फैमिली से शुरू होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है फैमिली इंस्टीट्यूशन कि जिसको जिसके बेस पर हमारी ये सोसाइटी बनी है। तो डेफिनेटली जो हमारी ब्रिंगिंग अप जिस उसमें हुई है तो उस चीज़ को हम नहीं जा सकते। कानून है क्या चीज़ है, कानून हमारे कस्टम और यूसेजेस के बेस पर बना है, तो उस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब उसके लिए अब हम जब एक उसकी बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो समानता के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन बने हुए हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमारे को सबको समान अधिकार दिए गए हैं जिसको कि अब विचार इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन उसके बाद उसके अलावा फिर यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी दी गई हैं जिसमें कि जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन वो उनका फंडामेंटल वो जो है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जब हम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी फंक्शन की बात करते हैं तो उनमें उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस है। लेकिन सेक्शन जो उसमें जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है वो उससे रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन उसमें 37 जो क्या कहता है हमारा, वो ये कहता है कि भाई आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, लेकिन सरकार इसके लिए प्रावधान बनाए। अब सरकार की जब हम बात करते हैं तो वो लेजिस्लेटिव वो भी आती है, बॉडी भी आती है हमारी, और दूसरी हमारी जुडिशरी भी आती है। सरकार कोई एक उससे तो नहीं बनेगी, वो तीन जो हमारे पिलर हैं उसके बेस पर उसको बनाते हैं। तो अब उसी तरह से अगर 37 हमारा ये कहता है, लेकिन 44 जो है हमारा अनुच्छेद उसका क्या कहते हैं नाम कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियर कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य को बनाना चाहिए और प्रत्येक उस पर जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है वो पूरे राष्ट्र पर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून बनना चाहिए जी। मतलब उसके लिए जो है वो है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हम अब उसके लिए सरकार के ने देखना है, उसके लिए रास्ता निकालना है कि भी हम किस तरह से इसको बनाएं। क्योंकि या तो हम जब हम उसकी शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, जो हमारे पुराने यूसेजेस और कस्टम है उनकी बात करते हैं, उनको भी हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई कानून बनता है तो वो कानून में हम जो है लॉ को हम उसके बेस पर ही बनाया है, जो भी कानून बने हैं तो उसके बेस पर बने। तो अब उन चीज़ को हम कैसे करें, क्योंकि होने को तो ये है कि आप स्ट्रिक्टली उन्हीं को फॉलो करो, जो कानून बने हैं उन्हीं को फॉलो करो, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्यों ना उसमें जो हमारे जहां पर मतभेद है उनको मिटा दो, बाकी कानून को अदरवाइज जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर तीसरा ये है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए लेकिन एक्सेप्शन के साथ बना दो उसको। अच्छा। लेकिन फोर्थ ये है कि एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो। अब ये चार ऑप्शन है सरकार के पास, अब इस पर जो है उनको वो चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिबेटेबल वो है। और इसमें क्योंकि हम अपनी जो ट्राइबल जो वो है क्या कहते हैं सोसाइटी है, जो हमारा जो हमारे कस्टम्स हैं, उस चीज़ को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कोई तोड़ तो होगा। अगर हम कितने कानून बनाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, तो वो चीज़ें भी हमें मद्देनजर। दर्शकों, ये तो हमने जाना कि संविधान बना कैसे था, लेकिन आज के समय में हमें पता है कि बदलाव हर जगह आते हैं, उसी तरह से हमारा संविधान में भी बदलाव आते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव होते किस तरह से हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल, जब भी कुछ बदलाव आते हैं तो आर्टिकल या अनुच्छेद के शब्द सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजय चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि संविधान के जो अनुच्छेद या आर्टिकल हैं ये क्या हैं। मैडम, ऐसा होता है कि जब भी एक जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किसी भी लॉ के अंदर हमारे पास सेक्शंस बनते हैं,
और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम इसमें सेक्शन ना बोल के हम इसको आर्टिकल्स वर्ड पढ़ते हैं, मतलब जस्ट नोटिफिकेशन है। जैसे सेक्शन ना बोल के हमने बोला आर्टिकल वन, जैसे आप हम जानते भी हैं कि हमारे जब संविधान बना था 1950 के अंदर तो हमारे 395 आर्टिकल्स थे। हम इसमें वर्ड हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें सेक्शंस वर्ड यूज़ नहीं करते। और साथ में आर्टिकल के साथ साथ हमारे पास में शुरू में 8 शेड्यूल थे जो कि आप जैसे आपने कहा कि चेंजेस आते रहते हैं, तो चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। लॉ है, हम लॉ को हम कभी भी कह सकते हैं कि ये स्टैटिक नहीं हो सकता, तो ये डायनेमिक चेंजेस आते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में हमारे सेक्शंस आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, और शेड्यूल जो हमारे पहले 8 थे आज की तारीख में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं उसके। हाँ जी जी। तो सर अब ये भी बता दीजिए कि इसमें बदलाव लाने का क्या प्रोसीजर है, संविधान में बदलाव आ सकता है नहीं आ सकता है? मैडम हम अपने संविधान को बोलते हैं, अगर हम इसके अमेंडमेंट की बात करते हैं, वी से कि कॉन्स्टिट्यूशन सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल। अब इसका मायने क्या हो गया, अगर हम इसको बोलते हमारा संविधान फ्लेक्सिबल होता तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अगर इतना फ्लेक्सिबल रखा होता, भीमराव अम्बेडकर की उस वक्त की सोच थी कि इसको हम लोगों को बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं बनाना है, तो एक प्रोसेस डाला। प्रोसेस हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर 20 है, उसका आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इट इज सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल। मैं इसको थोड़ा बताना चाहता हूँ, अगर हम इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं तो कोई भी रूलिंग पार्टी आती, उसको जैसा मन करता उसको तोड़ मोड़ सकते थे, तो इसलिए ऐसा ना हो जाए इसलिए इसके अंदर एक चैप्टर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अमेंडमेंट का। अब इसको हम अगर रिजिड करते मतलब कि इसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि 1950 की जो ज़रूरतें हैं और आज की ज़रूरतें हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए अगर अमेंडमेंट वो वैसा कर देते तो भी उसका फिटाइल हो जाना था। इसलिए कुछ बीच का मैकेनिज्म निकाला कि जिसके अंदर हमें जहां ज़रूरत है वहां हम उसको अमेंड भी करेंगे, पर इतना भी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में इसको कठपुतली नहीं बना देंगे कि जैसा चाहा वैसा तोड़ दिया उसको, इसलिए वी कॉल इट सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल। तो अभी हमारे साथ इसी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। मैंने ये कोर्स इसीलिए चुना क्योंकि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशनल फिगर मेरी लाइफ में मेरे पापा रहे हैं और वो एक जज हैं, प्रेजेंटली सेशन जज हैं, तो उन्हीं को देख के मैं बचपन से सपना था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि दुनिया मुझे पहचाने, एक अच्छे काम के लिए पहचाने, मुझे इज्जत दे एज अ वुमन। जी, और आपका क्या उद्देश्य था इसे चुनने का? बेसिकली मैंने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि काफ़ी देखा गया था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं और जो बहुत ही पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं उन्हें बहुत ही कम रिकॉग्निशन मिलता है और उनके राइट्स को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं क्योंकि वो पुअर हैं या फिर अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स चुना ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। जी, तो अब आपसे जानते हैं हम कि आपने जज बनना है या वकील बनने का आपका उद्देश्य है? देखिए मैम, अभी जैसे मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, तो जैसे हम हमारी सोसाइटी है, अब सोसाइटी के कुछ रूल्स उसके रिगार्डिंग जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब आप जैसे एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अब उसका वहाँ पर रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो वो हमारे सबसे पहले जानना हमारा वो फ़र्ज बनता है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं आपको कैसे रहना है, वो कौन बताता है? वो हमारा लॉ बताता है, संविधान। संविधान हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारे सारे जितने भी लॉज वगैरह मैम जो बने हैं वो सारे उसी से बने हैं। हमारे लिए जैसे अगर आप देखे जाए तो फिर जैसे गीता बोली, हमारी गीता बोलते हैं हिंदी में, हिंदू में, और जैसे कहते क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, और वैसे कुरान कहते जो कहते मुस्लिम्स के लिए, वैसे जो हम वकील हैं हमारे लिए जो हम अभी हम पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही आगे जो जड़ें गई हैं और जो हमारे लॉज बने हैं वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को मध्य नज़र रखते हुए बने गए हैं। कोई भी जो हमारा कानून बनेगा जो हमारे भारत में होगा कहते एप्लीकेबल होगा, वो सारे जो कहते प्रोविजंस हैं वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इसको देखते हुए बने गए हैं।
दर्शकों देखिए, हम संविधान पढ़ते हैं, हम आर्टिकल और अनुच्छेदों की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आते हैं हमारे इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा इतनी है, वैसी है, ये है, क्या इनमें कोई अंतर रहता है, नहीं रहता है, ये भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे में रहती है। तो इसका भी हम कुछ उदाहरण लेंगे और समझेंगे। हमारे साथ भी मौजूद हैं यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीना चंदेल जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैम कुछ ऐसा उदाहरण हमारे दर्शकों को दीजिए कि हम लोग थोड़ा संविधान और जो हमारा इंडियन पेनल कोड है इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ सकें। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कानूनों, सभी कानूनों का आधार है और उसी से आधार लेके अलग अलग कानून हमारा पार्लियामेंट बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो देश को चलाने के लिए विभिन्न कानून बनाए, और जिसमें से एक जो है वो इंडियन पिनल कोड है फॉर एग्जांपल। इसी तरह से सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अलग अलग तरह के कानून बनाए जाते हैं। अब जैसे इंडियन पिनल कोड जो है वो हमारे देश भर में जितने भी अपराध हैं उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह से जो है वो पर समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो गैर संवैधानिक किसी स्टेज पे लगती है तो उसको जो है वो गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर कई बार पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है समय समय पर। जी, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हम सबकी माता है और उसी के तहत जो है हर एक चीज बनती है, हर चीज बनती है, उसी से हर कानून का जन्म होता है। जी, तो दर्शकों ये सब कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी ये जरूरत है कि संविधान को पढ़ें और कानून को पढ़ें, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। और अधिकार ही है या फिर बाकी चीजें भी हमारे संविधान हमें कुछ देता है, कहता है करने के लिए, सबसे पहले जागृति जी आपसे जानते हैं। सुमान, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों की बात की, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान है उसमें 24 पार्ट्स हैं प्रेजेंटली, एंड उन 24 पार्ट्स में जो हमारा थर्ड पार्ट है वो बात करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ है? फंडामेंटल राइट्स है हमारी बेसिक और जो सबसे ज़रूरत जो हमारी राइट्स होती हैं वो दी गई है हमारी फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैं एक लॉ की विद्यार्थी हूँ और हमारे जो गुरु हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने से पहले एक और चीज़ पर हम ध्यान देते हैं जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये इम्पोर्टेंस है कि फंडामेंटल राइट्स को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या हम उन फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने के योग्य भी हैं या नहीं। तो वो चीज़ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें बताता है जो कि हमारे पार्ट 4 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कि है अंडर आर्टिकल 51A में हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, जिसमें कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी ही यही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसको अबाइड करना है। उसके अलावा कोई और भी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसमें आता है कि हमें अपने हेरिटेज और अपने कल्चर को बचाना है। मैम, संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में बताता है, तो एज ए लीगल प्रोफेशन ये तो नेसेसरी है ही है, तो सभी का इसको जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सभी को बताता है कि दायरे में रहकर कैसे काम करना चाहिए जी। तो दायरे में रहकर मतलब लोगों को अपनी लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, लोगों को क्या प्रिविलेजेस मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि उन्होंने भी कहा कि हमें राइट टू लाइफ मिला है, हमें राइट टू इक्वालिटी मिला है जिसे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हमारे अगेंस्ट हम कभी वायलेशन हो जाए तो हम उसे क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके के प्रिविलेजेस हमें मिले गए हैं और सभी को इनके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, पावर्स कैसे डिवाइड होती हैं, तो सभी का इसको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी, तो मतलब अगर कहें तो सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हमें हमारे लिए हमारे देश में किस तरह के कानून से बंद कर रहना है और हमें किस तरह के कानूनों को फॉलो करना है इसके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि ये सिर्फ कानूनी बच्चों से जुड़े नहीं हैं, वो हम सबसे जुड़े हुए हैं इसलिए भी। तो अब हम आपसे जानते हैं सर कि प्रोफेशनल तौर पर अगर हम इस लॉ की पढ़ाई को देखें, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी में हैं लीगल स्टडीज़ की, तो कैसे देखते हैं आप इसे?
प्रोफेशन की तरह अगर हम देखें तो लीगल एज अ प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। एक लॉयर हो चाहे जज हो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। और लॉ करने के बाद अगर इंडिविजुअल अगर लॉ करता है तो उसके पास बहुत सी ऑप्शंस होती है लाइफ में। वो लॉ करने के बाद एडवोकेट बन सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता है, लीगल एडवाइसेस दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ वो उसके बाद जुडिशरी में भी जा सकते हैं। और अगर कोई पर्सन बिजनेस भी करना चाहे तो लॉ करने का उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और उसी हिसाब से अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ खुद की, मैं क्यों आया हूँ लॉ करना के लिए, तो सबसे पहले तो यानी कि मैंने 11th में एक जो है सब्जेक्ट ऑप्ट किया था दैट इज़ लीगल स्टडीज़। तो उससे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी आया लॉ की फील्ड में, तो इसी वजह से ये एक मेन रीज़न था मेरा यहाँ पे आके लॉ पढ़ने के लिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही था। इस कार्यक्रम के माध्यम से और संविधान दिवस के मौके पर हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे संविधान को जानना हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारी ज़रूरत भी है, हमारा फर्ज भी है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।